रोहित शर्मा ने आज केवल मुकाबला ही नहीं जीता है, लेकिन मुकाबला जीतने के बाद किया है कुछ ऐसा जिसे आरसीबी तो जरूर खुश हुई है, लेकिन एक ऐसा हार्ट टचिंग मोमेंट वहां पे किया आज रोहित शर्मा ने, इसे देख के सोशल मीडिया पे काफी तारीफ की जा रही है। रोहित शर्मा की दिल छू लेने वाला मोमेंट आज क्या किया है रोहित शर्मा ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। बता दिया जाए, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, मुंबई इंडियंस के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा का ये आईपीएल का सीजन इतना खराब रहा है, जहां 14 मुकाबलों में शर्मा के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला और वो बतौर ओपनर खेलते हैं, जो दिखाता है कि मुंबई इंडियंस की टीम सबसे अंत में क्यों थी, क्योंकि अगर आपका कप्तान ही उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा तो शायद आपकी टीम भी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर कप्तान में ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है और वो टीम में कॉन्फिडेंस किस तरह से लाएगा। यही गलतियां थी जो शायद रोहित शर्मा ने बताई भी हैं अपनी पोस्ट मैच इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा कि इस सीजन में हमने गलतियां की हैं लेकिन आने वाले सीजन में अच्छा खेलेंगे। लेकिन इस सीजन में जाते जाते उन्होंने ऋषभ पंत की टीम को हरा के आईपीएल से बाहर जरूर निकाला है और अपने पुराने साथी विराट कोहली की टीम को प्लेऑफ में जरूर पहुंचाया है। आज के मुकाबले में जिस तरह से हमने देखा, रोहित शर्मा ने 7 गेंदों में एक भी रन नहीं बनाया था, उसके चलते फैंस कहीं ना कहीं नाराज थे, लेकिन मुकाबला खत्म होने के बाद किया कुछ ऐसा रोहित शर्मा ने जिसे देख के आप सभी का दिल जरूर प्रसन्न हो जाएगा। बता दें, जब वहां से खत्म होता है मुकाबला, मुकाबले में रमनदीप सिंह के चौके के तक तो आपने मुकाबला देखा होगा, लेकिन उसके बाद काफी कुछ घटा था आज मैदान पे। जब हमने देखा मुकाबला खत्म होने के बाद ऋषभ पंत, रिकी पॉन्टिंग थोड़ी सी बातचीत में उलझे हुए थे, जहां शायद रिकी पॉन्टिंग पंत से उतने खुश नहीं लग रहे थे। उसके बाद हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट के एक सीनियर मेंबर भी वहां मौजूद थे, जो रिकी पॉन्टिंग के बाद ऋषभ पंत से बात कर रहे थे, और इस सभी बातों के बीच में ऋषभ पंत थोड़े से मुरझाए हुए से लग रहे थे, और मुरझाए हुए लगे ही क्योंकि आपकी टीम आईपीएल से बाहर हुई है, वो भी इतना क्लोज आने के बाद। जब इन दोनों से बातचीत हो जाती है ऋषभ पंत की, तब जब सीढ़ियां उतर रहे होते हैं बातचीत करने के लिए, उन्हें ज्वाइन करते हैं वहां पर रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ने जितने प्यार से अपने छोटे भाई की तरह ऋषभ पंत के कंधे पे हाथ रख के उन्हें कुछ टिप्स दे रहे थे, वहां से हम ये जरूर समझ सकते हैं इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अपनी टीम के विकेट कीपर, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत, जो कि एक युवा खिलाड़ी है इस समय, उन्हें जरूर नसीहत दे रहे होंगे, मोटिवेशन दे रहे होंगे, जहां आज उनसे गलतियां हुई हैं उसके बारे में सिखा रहे होंगे और अपने छोटे भाई का दिल रख रहे होंगे। ऋषभ पंत रोहित शर्मा का जो एक शिष्य गुरु वाला नाता कहें या फिर याराने वाला नाता कहें, वो नाता हमने सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा देखा है। जब लॉकडाउन में ऋषभ पंत कभी कभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे लाइव आते थे, रोहित शर्मा उन्हें ज्वाइन करते थे और सारे ही सोशल मीडिया पे इन दोनों की चटर बटर चलती रहती थी। एक काफी बड़े भाई और छोटे भाई जैसा याराना इन दोनों में देखने को मिला है, और शायद उसी के फलस्वरूप यहाँ हमने देखा है कि ऋषभ पंत को टिप्स दे रहे थे रोहित शर्मा, जिसे देख के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं और एक अच्छा याराना। हालांकि ये दोनों खिलाड़ियों को मुंबई और दिल्ली की टीम की तरफ से थोड़ा सा अलग अलग जरूर कर दिया गया है, जिसे कहते हैं कि डिवाइडेड बाय आईपीएल टीम्स एंड यूनाइटेड बाय इंडियन क्रिकेट टीम। वही कुछ हुआ है आज यहाँ पे। अब तो खत्म हो गया इन दोनों का आईपीएल सीजन, अब एक साथ दोबारा खेलेंगे अगले एक साल के लिए, जब तक अगला आईपीएल नहीं आता है। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय किस तरह का लगा आपको रोहित शर्मा का ये हार्ट टचिंग मोमेंट। सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज, जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताजा अपडेट, वो भी सबसे पहले।